नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुचिता जोशी। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग मेरे वीडियो भी देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जबकि मेरे वीडियो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं प्रोफेशनली भी काम कर रही हूँ। तो प्रोफेशनली मैं क्या काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो पोस्ट करती हूँ, एविएशन इंस्ट्रक्टर एज अ फ्रीलांसर भी मैं काम कर रही हूँ, और टैरो कार्ड मेरे दिल के बहुत करीब हो चुके हैं अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे एस्ट्रो की तरफ एक खिंचाव हुआ है, उसकी वजह से मैंने सर्टिफिकेट लिया है और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और एज अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच के तौर पे भी मैं काम कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे मन में कोई फीलिंग आती है तो वो हमें करनी चाहिए, है ना। तो वही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठना, खाली रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज आपने देखा है थंबनेल में मैं क्या बात करना चाहती हूँ। देखिए, एक्चुअली बहुत बड़ा, जैसे जैसे हम किसी चीज़ के अंदर एंटर करते हैं हमें बहुत सारी असलियत पता चलती रहती है ना, सब मानेंगे इस बात को। तो मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये जो टाइटल मैंने डाला है, मैंने उन लोगों के लिए डाला है, मैं उन लोगों के मन से काफ़ी चीज़ें, एक देखिए वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकती हूँ, एक छोटी सी कहते हैं ना लॉ दिखा सकती हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आपको उसको फॉलो करना है नहीं करना है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट में या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जो किसी चीज़ के लिए गलत काम भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि एज अ लाइफ कोच और एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही हूँ, आपको पता है मेरे पास डेली के कम से कम 100 नहीं तो 150 कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। सही सुना आपने, हाँ जी, मेरे पास 150 नहीं तो 100 से ज़्यादा कॉल्स, 100 से या 150 के करीब, या कभी कभी 90 भी हो जाता है, कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। और मुझे कॉमनली जो क्वेश्चन होता है वो करियर का कम होता है, और ये ज़्यादा होता है कि मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया है, अब वो मेरी लाइफ में वापस कैसे आए। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि आपका जो प्यार है वो मूव ऑन हो चुका है। अब यहीं पर अब वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल के, 19 साल के, 18 साल के, 18 साल से नीचे तो कैसे भी मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, डेफिनेटली 12th हो गया होता है, कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई कुछ है, काफ़ी लोगों को आता है मेरे पास इंक्वायरी। मेरा काम ये होता है कि मैं उन बच्चों को एक राह दिखाऊँ, एक फोकस करूँ कि आपने मुझसे पूछा है, ठीक है, मैंने आपके कार्ड्स निकाले, आपकी रीडिंग करी मैंने, और आपको बताया कि आपका फ्यूचर कैसा है। अब कुछ सवाल आते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो, देखिए आप चाहे कुछ भी करें, नो मैटर वॉट, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। कुंडली भगवान ने ऊपर से लिख के दिया है कि आपके कुंडली में ये होगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी किस्मत में अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी किस्मत में डॉक्टर लिखा है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बच्चों को समझाइए अपने, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वशीकरण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं कि वशीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, मैं कभी भी वशीकरण को सपोर्ट नहीं करती हूँ, कभी नहीं। मैंने आज तक वशीकरण को सपोर्ट नहीं किया है, और मैं कभी इस विद्या को सीखूंगी भी नहीं। आजकल मैंने बहुत लोग देखे हैं, या स्क्रीन में मैं दिखाऊंगी आपको एक मैसेज कि वो माता जी बता रही हैं, वो लेडी बता रही है किसी का नाम लिख के लड़की का, कि इसको वशीकरण कैसे करना है। मुझे ये चीज़ें गलत लगती हैं। मैं वही चीज़ें बच्चों को भी सिखाती हूँ और उन लोगों को भी सिखाती हूँ, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे वो सेकंड मैरिज के हो। बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने कहा ना, अनगिनत केसेस मेरे पास आते हैं। मैं उनको यही कहती हूँ, मेडिटेट कीजिए, मूव ऑन कीजिए। मैं कभी उन्हें नहीं कहती हूँ, मुझे बोलते हैं कि कोई रास्ता बताइए कि ये मेरे पास वापस आ जाए। देखिए, अगर वो आपका है तो कैसे भी वापस आएगा, और अगर वो आपका नहीं है या आपकी नहीं है तो वो कभी वापस नहीं आएगा। और ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी उम्र कम है, मुझे पता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को मेरी ये जो पर्सनैलिटी है देख के भी ऐसा लगता है कि ऐसी बातें कैसे कर सकती है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने, कहते हैं ना, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है, और मन को कंट्रोल करना मुझे आता है। उसका एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। मैं वेजिटेरियन हूँ, और फ्लाइट में एज अ क्रू आपको वेजिटेरियन मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं 20-20 घंटे भूखी रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी चिकन साइड करके सिर्फ राइस नहीं खाया है। मैंने कोई ब्रेड का पीस ले लिया, हल्का सा कुछ मीठा खा लिया, लेकिन उससे काम नहीं चलता है ना, आपकी बॉडी को चाहिए। तो इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आज अगर मेरा कुछ खाने का मन है, मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं कल खा लूँगी। मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। वो सिर्फ देखने के नज़रिया वाली बात है। और जो ये लोग वीडियो बना रहे हैं वशीकरण वाला, उनको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि इसका गलत प्रयोग ना करें।
पर क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो इसके गलत प्रयोग नहीं करेंगे? तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। और यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनसे मुझे एक गुरु वाली फीलिंग आती है, एक भाई वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं उनकी बहुत वीडियोज़ देखती हूँ। एक और हैं लेकिन के वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, वो सही बात करते हैं, वो गलत बात कभी नहीं करते हैं, उन्होंने भी कभी वशीकरण की बात नहीं की है। ये दो हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने कभी भी वशीकरण की बात नहीं की है। मैंने इनको कभी नहीं देखा वशीकरण शब्द यूज करते हुए, एंड दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट एंड दे आर वेरी गुड। मुझे कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं उनसे सीखूंगी, मैं उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी अगर मुझे कभी मौका मिला तो। अभी मैं इसको पक्के से अपना प्रोफेशन बनाने के विचार में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एविएशन में जाना चाहती हूँ, मेरा एविएशन का लगाव है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं दोनों को कर रही हूँ, एज अ पार्ट टाइम मैं उसको भी कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज पास कराना चाहती हूँ थ्रू माय वीडियो। वशीकरण लोग अगर उतारने के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप जो करना है वो अपना प्राइवेटली कीजिए। और जो लोग वशीकरण अगर कर भी रहे हैं तो प्लीज़ प्राइवेटली कीजिए, वो आपका प्रोफेशन है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी विद्या। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ, कल मेरे बच्चे भी हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे, अगर वो इस काम में चले गए तो उनको तो वो एक ऑप्शन मिल जाएगा ना। सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना स्ट्रांग बन चुका है, इट्स टू फास्ट एंड टू वास्ट कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। तो आप मेरे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास स्पेशली, और स्टूडेंट के पास, कि वशीकरण अगर आप कर लेते हैं गलती से, आप ये विद्या सीख लेते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपने उन लोगों ने अपने व्यूअर के लिए, व्यूअर बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अगर ये वीडियो बना भी दिया है, तो वो वशीकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो किसी के पास नहीं होगा। वो सिर्फ एक बेसिक सा काम करेंगे जो बताया गया है, और उसका उल्टा असर होगा, डेफिनेटली उसका अपोजिट इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। अब ऑपोजिट इम्पैक्ट कैसे आएगा? ऑपोजिट इम्पैक्ट का मतलब होता है जब उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से नहीं करते हो तो उसमें थोड़ा सा जो असर होगा वो आप पे होगा, आपकी हेल्थ पे असर होगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको फीवर आ जाएगा, आप वीक हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्यों इन चीज़ों में जाना है? देखिए, मैं फिर भी कहूँगी, मैं हो सकता है बहुत सारे लोगों को, क्या बहुत लोगों को मेरे इस वीडियो से आपत्ति हो, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जिसको आपत्ति है आपत्ति है, लेकिन मैं सच बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो भी काम करना चाहिए वो सच्चाई से करना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, एक संजीव नाम के हैं ये कपल, उनका फोटो भी मैं यहाँ स्क्रीन में डालूंगी। जब आप दुखी होते हो तो आप रास्ते ढूंढते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेरे पास ऐसा टाइम आ गया था पिछले साल कि मैं बहुत ज़्यादा, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द ऑप्शन कि मेरे जो हर काम रुक रहे हैं, मेरे हर काम अटक रहे हैं, मैं उनके लिए क्या करूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं कुछ लोग मेरे जैसे। मैंने वही रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या किया, माता जी ने, इन्होंने मुझसे 24,000 रुपये ठगे और मुझे बोला कि आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं इनको फ़ोन करती रह गई, 3 महीने हो गए, मेरा कोई काम नहीं हुआ और 24,000 भी गए। अब मैं बताती हूँ उसका मेन कारण, मेरे से गलती क्या हुई। आप हमेशा याद रखिए, हम हिंदू धर्म में जो मैंने सीखा है, अगर किसी की मृत्यु हमारे रिश्ते में हो जाती है, हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, या तो बिल्कुल ही अपने घर में हो जाती है, या फिर किसी रिश्तेदार में हो जाती है, जहाँ पे हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं 1 साल के लिए, ये बात सबको पता है कि 1 साल तक हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कोई भी अपना त्यौहार नहीं मना सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आपके घर में ही किसी की मृत्यु हुई है तो हम हवन भी नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं कर सकते। उसका एक मुख्य कारण ये है कि वो लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम अशुद्ध हैं, 1 साल नहीं हुआ है, चाहे हम कितना पूजा पाठ कुछ भी कर ले, वो मुझ पे लगेगा ही नहीं, मेरा जो काम नहीं होना वो नहीं होना। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि मेरी तरह गलती मत कीजिए। ये बात मुझे बाद में पता चली, और वो महिला और वो मिस्टर संजीव, वो मुझे अच्छी तरीके से बता सकते थे कि अगर उनको इतनी नॉलेज है, इतनी विद्या है उनको ज्योतिष शास्त्र की, तो वो मुझे बता सकते थे कि आपका 1 साल है, आप इतने पैसे लगा रही हैं पर आप पे असर नहीं होगा। ये बात जब मैंने उनको बाद में गुस्से में बताई, मैंने बोला आपको बताना चाहिए था, तो कहते हैं हाँ सही बात है, मतलब खुद ही की गलती के लिए कह रहे हैं सही बात है, मेरा क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ, जबकि मैं उनको बता चुकी थी कि मेरा ऑलरेडी नुकसान हो रखा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग बदनाम होते हैं। कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए। और मैं ये बात इसलिए बिल्कुल एक प्रूफ के साथ, एक तथ्य के साथ बोल रही हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझसे ये सारे सवाल पूछते हैं, कॉल्स होती हैं, चैट होती हैं, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ,
मैं नहीं डिक्लेयर कर सकती को अपने प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं आपसे ये बात कह रही हूँ और एक तथ्य सबूत के साथ कह रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। अपने बच्चों को गलत रास्ते में जाने से बचाइए। वशीकरण नाम का जो ये चीज़ है, ये ऐसा लगता है कि आप किसी को वश में कर लेंगे, उसको अपना बना लेंगे और शादी कर लेंगे, अपना प्यार वापस आ जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो वशीकरण है, थोड़े से टाइम के लिए अगर हो भी गया तो थोड़े से टाइम के लिए होगा, होना वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए, अपना करियर बनाइए, जो आपकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़का ही चीट करेगा, लड़की ही चीट करेगी, बहुत सारे मैंने कहा ना, इतने केसेस हैं, अगर मैं गिराने बैठूँ तो मेरा वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि जो ये वशीकरण नाम की चीज़ है, इससे दूर रहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि टैरोट कार्ड रीडर हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, ग्लोब में वो कर लेते हैं, मैं वो भी ऐड करना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने कार्ड्स अभी भी यहाँ पे रख सकती हूँ और आपको रीडिंग बता सकती हूँ जो मैं नॉर्मली करती हूँ। और जो लोग ये सब करते हैं वो उनका शौक होता है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन ये सब इंट्यूशन पावर के काम से होता है। टेलीपैथी सबको पता है, मैंने इसमें वीडियो पहले भी बनाया है। ये सारे काम आपके इंट्यूशन के माध्यम से ही होते हैं, आपके कॉन्सेंट्रेशन, आपके मेडिटेशन के तौर पर होते हैं। जिन लोगों को रीडिंग आती है, क्योंकि मुझे पता है इंट्यूशंस हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन कोई उसको इन्हेंस कर लेता है, कोई नहीं करता है। तो मैंने उसे इन्हेंस किया है क्योंकि मैं उसमें जाना चाहती थी। अगर मेरा रास्ता दिखा के कोई सुधर रहा है, कोई अपना फैसला ले पा रहा है ज़िंदगी में, तो क्यों नहीं। मैं इतना खुश हूँ कि कुछ लोग मेरी बात मानते हैं और फॉलो करते हैं और उनकी ज़िंदगी सुधर जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही मैं उनका कुछ माइंड चेंज कर देती हूँ। मैं सिर्फ उनका माइंड चेंज करती हूँ, और माइंड चेंज इसलिए करती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है उनके लिए। कोई अपने पास में अटके या किसी इंसान को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आ जाए, वो चीज़ें गलत होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज पास करना चाहती हूँ, प्लीज़ ये वशीकरण के नाम से दूर रहिए, बच्चों को समझाइए और खुद भी समझिए। जो हम कभी कभी बातें करते हैं घर में, ये बातें गलती से निकल जाती हैं तो वही बच्चे सुनते हैं। लेकिन मैंने कहा, सोशल मीडिया आजकल बहुत फास्ट हो चुका है, हमें नहीं पता हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। और पूजा पाठ संस्कार हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये चीज़ भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए और आप भी सीखिए। वशीकरण नहीं करना चाहिए, ये बहुत, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैंने कहा ना, ये दो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन में बताऊंगी कौन है, और मैंने कभी इनसे वशीकरण का नाम नहीं सुना, एक शब्द नहीं सुना है। एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल, आप समझ सकते हैं। और जो लोग करते हैं वो प्राइवेटली कीजिए, आप वीडियो क्यों बना रहे हो उस चीज़ के लिए। मैं बस इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के काम बहुत आया होगा। इसको शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग करनी है मुझसे, तो वो मैं नहीं करती। मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग अपने पर्सनल नंबर पे या पर्सनल मेल पे कभी नहीं करती हूँ। मैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग वहीं करती हूँ। उसके अलावा मैं अपना एविएशन का काम करती हूँ, और मैं वीडियोस बनाती हूँ और अपनी लाइफ इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी साधारण ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, ठीक है। अगर लोगों को लगता होगा कि टैरोट कार्ड रीडर या फिर एक ज्योतिषी बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, सीधी सादी सी घर पे बैठी है, कुछ नहीं करती है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होता है। वो इंसान के नेचर पे, इंसान के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, है ना। और मैं तो प्रोफेशनली एयर होस्टेस रह चुकी हूँ, तो मैं ये जो काम कर रही हूँ, ये सिर्फ एक शौक के तौर पे कर रही हूँ, और लोगों की मेरे से मदद हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। फिर चाहे वो मैं एविएशन में करूँ, चाहे फिर मैं टैरोट में करूँ, ज्योतिष शास्त्र में करूँ, मुझे तो मदद करने से मतलब है। और थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे आप देते आ रहे हैं। और कुछ भी है, आप अगर चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं जो सही रास्ते से है, ऊपर वाला ही एक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, बस उसको फॉलो कीजिए, उसको मानिए, अपने कर्म ठीक रखिए, सब कुछ ठीक होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक चीज़ ने मेरी मदद करी, पेशेंस, धैर्य, उसी ने मेरी मदद करी। और उसकी मदद से आज मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत फ्रॉड हो चुके हैं मेरे साथ, लेकिन हम नहीं गए किसी वशीकरण पे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है, अच्छे से जिए। और ये ज़िंदगी में अपने ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी जो अगली आने वाली लाइफ होगी वो भी अच्छी हो। और कहते हैं जो माता पिता करते हैं वो बच्चे काटते हैं, जो माँ बाप बोते हैं वो बच्चे काटते हैं, और ये सच बात है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। सब्सक्राइब इसलिए कह रही हूँ ताकि ये जो भी मैंने बताया है उसको आप देख सकें और कुछ सीख सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।